स्वागत है आप लोगों का बीकेबी भाई के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग सीखते हैं विंडोज 10 के बारे में। देखिए विंडोज़ में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सभी लोग विंडोज़ 10 के बारे में, विंडोज़ 10 को कैसे चलाना है, विंडोज़ 10 को कैसे जो है यूटिलाइज़ करना है, ये सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं विंडोज़ 10 के बारे में कि विंडोज़ 10 में कैसे कैसे काम करेंगे। देखिए विंडोज़ 10 में अगर हम देखें तो अभी जो स्क्रीन लुक दिखाई दे रहा है आपका, ये सब जो है विंडोज 10 का स्क्रीन लुक है। विंडोज 10 में आपको काम करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाइए। यहाँ पे स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये लुक चेंज है। इसमें विंडोज 7 के जैसा बहुत सा चीज नहीं दिया हुआ है। ये देखिए ये एप्स बेस पे आपको काम करता है अधिकतर, यहाँ पे ये एप्स बेस पे काम करता है ना। ये सब आपको अलग अलग एरिया दिया हुआ है कि आप कैसे कैसे जो है इसमें देख सकते हैं, मूवीज एंड टीवी, म्यूजिक, कैलेंडर, एज, यहाँ पे वेदर, ये सब चीज आपको अलग अलग दिया हुआ है। और भी प्रोग्राम देंगे इसमें, थोड़ा सा कम है, लेकिन आप जितना आप अपने एप्स रखिएगा इसमें उतना ज्यादा इसमें प्रोग्राम देगा आपको। ये मोस्ट यूज मतलब जितना भी ये प्रोग्राम खोला गया है यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है कि ये चीज को ज्यादा करके खोला गया है, आपको यूज किया गया है। फाइल एक्सप्लोरर, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो ये फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर का मतलब सीधे ड्राइव खुलेगा जहां पे आपके कुछ डाटा सेव होंगे, ये डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, इसके नीचे सेटिंग है, आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहां से आप जाकर के अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज है, सिस्टम है, डिवाइस है, नेटवर्क एंड इंटरनेट है, पर्सनलाइजेशन है, अकाउंट है। जैसे आप एक इसको समझ लीजिए कि कंट्रोल पैनल जो हम लोगों को विंडोज 7 में मिल रहा था, उस तरीके का ये सेटिंग हम लोगों को मिल जाएगा, ये सेटिंग के नाम से आएगा। तो यहाँ से आप वो सब सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, है ना। जैसे डिवाइस के बारे में आपको जानना है, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, क्या है, सिस्टम के बारे में जानना है, एडिट टाइम और लैंग्वेज के बारे में जानना है, सब एक्सेस प्राइवेसी के बारे में, पर्सनलाइजेशन के बारे में, ये सारे चीज यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि कैसे काम करना है सेटिंग के तौर पे। जैसे सिस्टम, सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐप, मल्टीटास्क, टैबलेट, किस मूड में आपको रख करके चलाना है ये आपको दे रहा है। ये सेटिंग है, मतलब ऑल इन ऑल सेटिंग है। सेटिंग को हम लोग अच्छे तरीके से भी देखेंगे कैसे काम करना है। इसके बाद इसके नीचे जाएंगे, सेटिंग के नीचे पावर, तो पावर पे जाने के बाद आप जैसे जाकर क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन आ जाते हैं, स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट। तो ये उसमें विंडोज 7 में डायरेक्ट हम लोगों को अलग से मिल रहे थे, लेकिन इसमें तीन यहीं पे क्लिक करने के बाद मिल जाते हैं। तो आपको स्लीप में, शटडाउन में, रीस्टार्ट में किस में रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। और ऑल प्रोग्राम यहाँ पे है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम है उन सब प्रोग्रामों को ला करके ये दिखाने का काम करता है, है ना। जैसे कि ये 3D बिल्डर यहाँ पे आपको आ रहा है, इस हिसाब से आपको मिल रहा है, इस तरीके से ये ऐप्स है दिए हुए हैं यहाँ पे, बना के देख सकते हैं, है ना। ये आपको इसमें प्रोग्राम है, ऑल प्रोग्राम, सभी प्रोग्रामों को ये रखता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जितने भी प्रोग्राम है वो आता है। जैसे विंडोज 7 में भी आपको ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा था, तो ये भी ऑल प्रोग्राम के नाम से, लेकिन ये ऑल प्रोग्राम नहीं लिख करके ये ऑल एप्स लिखता है, क्योंकि एप्स बेस पे हम जानते हैं कि विंडोज 10 जो है वो प्रोग्राम बेस पे काम नहीं करता है, एप्स बेस पे काम करता है, है ना। ये सेटिंग में यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा ऑल प्रोग्राम। अब देखिए सर्च के लिए भी बहुत सी एक बड़ी बात है, जैसे यहाँ पे जाते हैं सर्च कहीं नहीं है, सर्च का ऑप्शन आता ही नहीं है इसमें, विंडोज 10 में सर्च का ऑप्शन ऊपर की तरफ मेनू में नहीं देता है, डायरेक्ट आपके स्टार्ट के बगल में यहाँ पे दिया है सर्च द वेब एंड विंडोज, यहां से आप कोई भी चीज सर्च कीजिए। जैसे कि आपको नोटपैड सर्च करना है ना, NOTEPAD, आप लिखिए और एंटर कीजिए, यहां से आपको आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सर्च बॉक्स का फुली एंड फुली काम आपको यहाँ पे है। ये इसके बगल में हम लोगों को टास्क व्यू है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये टास्क व्यू मिला करके इस तरीके से दिखाने का काम करेगा। बाकी ये जो है क्विक लॉन्चर होते हैं, जैसे ऐप्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, इंटरनेट वगैरह वगैरह ये दिए हुए रहते हैं। यहाँ से आपको जितने भी प्रोग्राम एक्टिव होते हैं जो काम करने वाले होते हैं वो सब यहाँ पे ला करके दिखाने का काम करते हैं, है ना।
इसके बगल में यहाँ पे बैटरी का स्टेटस दिखाता है, और इसके बगल में यहाँ पे जब आएंगे तो ये इंटरनेट का यहाँ पे दिखाता है, नॉट कनेक्टेड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मतलब कि ये नहीं है, और इसके बगल में ये नोटिफिकेशन है, और ये यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो टास्क बार इसमें भी होते हैं, नीचे साइड में टास्क बार होता है, और टास्क बार में हम लोग यहाँ पे उसी तरीके के सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिंक वगैरह वगैरह जो उसमें हम लोग करते थे विंडोज 7 में। और यहाँ पे आने के बाद विंडोज 10 में देखेंगे तो ये आपको लॉक द टास्क बार भी आ रहा है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये हम लोगों को और भी उसमें का जितना ऑप्शन सेटिंग था वो सब सेटिंग भी यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो टास्क बार इसमें होता है, एक जो है सर्च बॉक्स को ला करके यहाँ पे किया है, और यहाँ पे मेनू को थोड़ा सा जो है चौड़ा कर दिया है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज को चेंज कर दिया। ये कंप्यूटर को माई कंप्यूटर और कंप्यूटर खोलते थे हम लोग यहाँ पे अलग होता था, ये थोड़ा सा इसमें बदलाव किया कि इस तरीके का ऑप्शन देने का काम किया है। तो विंडोज 10 में ये सब बदलाव है, विंडोज 10 में आप जो है इस तरीके से जो है अपने विंडोज को चला सकते हैं। विंडोज प्लस आर को दबाइएगा, इसमें भी रन आएगा, उसमें भी रन आता था। इस तरीके से इसमें प्रोग्राम को हम लोग देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, है ना। तो आगे चलिए देखते हैं विंडोज के और 10 में जो है और आगे सेटिंग क्या क्या होता है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।